नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटॉक्स के एक बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारे ईवी सेक्टर से, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र स्टेट के ईवी सेक्टर को एक काफी बड़ा पुश मिला है, क्योंकि इंडिया एंड ताइवान बेस्ड एक जॉइंट वेंचर ने महाराष्ट्र स्टेट में 2.5 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ में एमओयू साइन कर लिया है। तो सो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दावोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हो रही है वहां पर साइन किया गया है। पुणे बेस्ड बेलडेस इंडस्ट्रीज एंड ताइवान बेस्ड गोगोरो, इन दोनों कंपनीज का एक जॉइंट वेंचर इन्होंने फॉर्म कर रखा है। उनके द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो महाराष्ट्र स्टेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर से रिलेटेड स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, जिसके अंतर्गत बैटरी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन, ये सभी चीजें बनकर तैयार होंगी। पूरा का पूरा एक ईवी डेडिकेटेड इकोसिस्टम महाराष्ट्र स्टेट में क्रिएट किया जाएगा, जिसकी स्टार्टिंग मुंबई एंड पुणे से होगी। एमओयू के दौरान कंपनी के द्वारा ये भी कहा गया है कि वो सबसे पहले एक पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली में चलाएंगे, और अगर वहाँ पे वो सक्सेसफुल हो पाते हैं तो उसके बाद मुंबई एंड पुणे, यहाँ से महाराष्ट्र में स्टार्टिंग की जाएगी। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है एक और रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट से रिलेटेड, जहाँ पर दोस्तों विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का काम बहुत ही स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि हमारी रेलवेज के द्वारा इसके रीडेवलपमेंट को लेकर ब्रेथवेट एंड कॉग्निशन, इन दोनों कंपनीज के कंसोर्टियम को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। दोस्तों बड़े स्केल पर इस रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा। कहा ऐसा जा रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले काफी बड़ा रूफ प्लाजा बनकर तैयार होगा, जिसके अंतर्गत सेपरेट एंट्री एंड एग्जिट गेट्स, वेटिंग हॉल्स, डिपार्चर हॉल्स, फूड कोर्ट्स और दूसरी अमेंडिस बनकर तैयार होंगी। इसके अलावा बड़े स्केल पर स्टेशन के आसपास रियल एस्टेट डेवलपमेंट भी की जानी है। मल्टी लेवल कार पार्किंग, रिटेल एंड ऑफिस स्पेसेस, रिटायरिंग रूम्स, ये सभी जो ओवरऑल यहाँ पर बनकर तैयार होंगी। 446 करोड़ रुपीज़ इसके रीडेवलपमेंट के ऊपर स्पेंड किए जाने हैं, और इसको रीडेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रेल एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को सौंपी गई है। और क्योंकि इसके रीडेवलपमेंट को लेकर कोई फर्दर लैंड एक्वायर नहीं की जानी है, तो मोस्ट प्रोबेबली काफी इजीली 2025 तक इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। और एक बार जब ये रीडेवलप हो जाता है तो ये पर डे 1.5 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स को इजीली हैंडल कर पाएगा। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है बेंगलोर मेट्रो से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हमारे कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी को व्हाइटफील्ड से केआरपुरम के बीच में बन रही लाइन के इंस्पेक्शन की इनवाइट कर दिया है। और अगर सब कुछ बीएमआरसीएल के प्लान के अकॉर्डिंग जाता है तो मार्च तक ये मेट्रो लाइन ऑपरेशनल होती हुई देखने को मिलेगी। दोस्तों नम्मा मेट्रो के अंतर्गत व्हाइटफील्ड से केआरपुरम के बीच में जो लाइन बन रही है, इसकी ओवरऑल लेंथ 15 किलोमीटर की है। 13 किलोमीटर का इसका पार्ट पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है, और इसी पार्ट के इंस्पेक्शन के लिए अब सीएमआरएस को इनवाइट किया गया है। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा 6 कोच वाली मेट्रो ट्रेन को लेकर ऑलरेडी इसके ऊपर ट्रायल स्टार्ट कर दिए गए हैं। हालांकि इसकी पहली 3.5 किलोमीटर की स्ट्रेच के ऊपर ट्रायल्स अक्टूबर में ही स्टार्ट हो गए थे, और उसके बाद जैसे जैसे स्ट्रेच कंप्लीट होती गई वैसे वैसे इनके ट्रायल्स को भी एक्सटेंड किया। आज के समय में केआरपुरम तक इसके ट्रायल लिए जा रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली 15 फरवरी के बाद हमारे सीएमआरएस के द्वारा इसको अप्रूवल दे दी जाएगी, और मार्च तक आपको ये ऑपरेशन होती देखने को मिलेगी। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है हमारे रेल बजट से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों हमारे अपकमिंग रेल बजट की कुछ डिटेल सामने निकल कर आ गई हैं, और कहा ऐसा जा रहा है कि इस बार हमारी रेलवेज के लिए जो बजट एलोकेट किया जाएगा वो हमारी रेलवेज का आज तक का हाईएस्ट एवर बजट होगा। दोस्तों रिसेंटली हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कई सारे मिनिस्ट्रीज को साथ मिलाकर एक प्री बजट मीटिंग की थी, एंड वहां पर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा डिमांड की गई थी कि उनका रेल बजट 25-30% तक इंक्रीज किया जाए, क्योंकि पिछले साल कंप्लीट फंड्स ना होने के चलते या फिर कम फंड्स होने के चलते हमारी रेलवेज कुछ ऐसे जो पिछले साल के अंदर स्टार्ट होने थे उनको आगे नहीं ले जा पाई थी। लेकिन अब कहा ऐसा जा रहा है कि इस साल के अंदर हमारी रेलवे का जो रेल बजट है, जो पिछली बार 1.4 ट्रिलियन रुपीस का था, इस बार मोस्ट प्रोबेबली उसको इंक्रीज करके 1.8 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन रुपीस तक कर दिया जाएगा। और देखिए दोस्तों ये जरूरी भी है, क्योंकि आज के समय रोड तो हमारे देश में अच्छे खासे स्केल पर बन ही रहे हैं, लेकिन रेलवे का अपग्रेडेशन भी काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 500 वंदे भारत ट्रेन, 35 हाइड्रोजन ट्रेन, 4,000 न्यूली डिजाइन ऑटोमोबाइल कैरियर, 5,000 एलएचबी कोचेस, 58,000 वेगन्स, 100 विस्टर्म कोचेस, ये हमारी रेलवे के कुछ ऐसे प्लान्स हैं जो फाइनेंशियली 2023-24 के अंदर अंदर हमारी रेलवे इंप्लीमेंट करेगी। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के मर्चेंडाइज ट्रेड से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों कैलेंडर ईयर 2022 के अंदर अंदर हमारे देश का मर्चेंडाइज ट्रेड 1 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस कर गया है। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि हमारे देश का मर्चेंडाइज ट्रेड किसी कैलेंडर ईयर में 1 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस कर गया हो। दोस्तों जो डेटा शो किया गया है वो ये दिखाता है कि हमारे देश का ट्रेड ग्लोबल कम्युनिटी के साथ काफ़ी तेजी से एक्सपांड हो रहा है। इससे पहले 2019 में हमारे देश का मर्चेंडाइज ट्रेड ऑल टाइम हाई 844 बिलियन डॉलर्स पर पहुंच गया था, लेकिन 2022 में ये ट्रेड 1010 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है, जो कि ऑलमोस्ट 150 बिलियन डॉलर का इंक्रीज देखने को मिला है। और हमारा ट्रेड ग्रो हो रहा है ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन हमारे एक्सपोर्ट्स भी उसी तरह से ग्रो होने चाहिए जिस तरह से ट्रेड ग्रो हो रहा है, क्योंकि 1 ट्रिलियन के मर्चेंडाइज ट्रेड में से
एक्सपोर्ट्स सिर्फ 450 बिलियन डॉलर्स की हैं, जबकि इंपोर्ट्स ऑलमोस्ट डेढ़ गुना 723 बिलियन डॉलर्स की हैं। दोस्तों ये जो बड़ा गैप देखने को मिल रहा है, इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्रूड ऑयल इंपोर्ट का है, क्योंकि 2022 में ही हमने 270 बिलियन डॉलर का क्रूड ऑयल जबकि 80 बिलियन डॉलर के कोल इंपोर्ट किए हैं। सेम टाइम हमारे एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमने 2022 में US, सिंगापुर, हांगकांग, UK, जर्मनी इन सब कंट्रीज समेत बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में कई सारे न्यू मार्केट्स को कैप्चर किया है। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है देश में डिफेंस प्रोडक्शन से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों भारत एंड रशिया के द्वारा मिलकर AK-203 राइफल्स की प्रोडक्शन हमारे देश में स्टार्ट कर दी गई है। और अब ये वेपन भी हमारे देश के उन डिफेंस प्रोडक्ट की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनको हम भारत में काफी इजीली मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। तो सो इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड, ये इस जॉइंट वेंचर का नाम है जिनके द्वारा हमारे देश में प्रोडक्शन स्टार्ट की गई है। इनफैक्ट इसकी प्रोडक्शन यूपी के अमेठी में स्टार्ट हुई है। और इस जॉइंट वेंचर की वन ऑफ द बेस्ट थिंग ये है कि AK-200 राइफल्स की प्रोडक्शन के लिए जितने भी तरह के कंपोनेंट्स की जरूरत होगी वो सभी के सभी मेड इन इंडिया होगी। इधर से आप ये समझिए कि ये राइफल 100% मेड इन इंडिया होगी। कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट की गई है। बहुत ही जल्द इसकी पहली बैच हमारी इंडियन आर्मी को सौंप दी जाएगी। बढ़ेंगे दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है साउथ कोरियन मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक जायंट LG को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश में इनकी प्रोडक्शन को ओवर पुश करते हुए LG के द्वारा 200 करोड़ रुपीज की ओवर इन्वेस्टमेंट हमारे देश में कर दी गई है। और अब इसके थ्रू वो हमारे देश में प्रीमियम रेफ्रिजरेटर्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। दोस्तों LG हालांकि एक साउथ कोरियन कंपनी है, लेकिन हमारे देश के होम अप्लायंस मार्केट में इनकी कंप्लीट डोमिनेंस है। और यही मेन रीजन है कि शायद ये हर साल हमारे देश में उनके कोई ना कोई न्यू प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करती हैं, क्योंकि लास्ट ईयर ही इन्होंने नोएडा प्लांट में विंडो इन्वर्टर ACs की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की थी। और अब पुणे प्लांट में इनके द्वारा प्रीमियम रेफ्रिजरेटर्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की गई है। डबल डोर एंड सिंगल डोर दोनों तरह के रेफ्रिजरेटर्स इनके द्वारा यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। और जो न्यू असेंबली लाइन यहाँ पर इनके द्वारा सेटअप की गई है उसकी पर ईयर कैपेसिटी 2 लाख यूनिट्स की होगी। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है INS विक्रमादित्य से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों हमारा INS विक्रमादित्य की रिपेयरिंग एंड रेट्रोफिटिंग का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और अब इसी महीने के अंत तक आपको इसके सी ट्रायल स्टार्ट होते देखने को मिलेंगे। दोस्तों INS विक्रमादित्य एक रशियन मेड एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको हमने रशिया से लिया है। पिछले 2-3 साल पहले इसकी मेजर रिफिटिंग का काम स्टार्ट किया गया था। 18 मंथ्स की रिफिटिंग का काम जुलाई 2022 में कंप्लीट हो गया था, लेकिन जब दोबारा से इसके ट्रायल स्टार्ट किए गए तो उस समय इसमें काफी बड़ी आग लग गई थी और उसी के चलते दोबारा से इसकी रिपेयरिंग का काम स्टार्ट किया गया। और अब ऑलमोस्ट वो रिपेयरिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, जिसके चलते कहा जा रहा है कि इसी महीने के अंत तक इसके सी ट्रायल्स दोबारा से स्टार्ट किए जाएंगे। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है रुपे कार्ड से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों देश में रुपे कार्ड्स के प्रमोशन को लेकर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंसेंटिव स्कीम को नोटिफाई कर दिया गया है। और अब रुपे कार्ड की यूजेज को हमारे देश में और पुश किया जाएगा। तो सभी मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पॉइंट ऑफ सेल एंड ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन के थ्रू हमारे रुपे कार्ड्स को प्रमोट करने के लिए 2600 करोड़ रुपीज़ की एक इंसेंटिव स्कीम को प्रमोट किया गया था, फिर अप्रूव किया गया था। और अब हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इस इंसेंटिव स्कीम को उनकी वेबसाइट के ऊपर नोटिफाई कर दिया गया है, जिसके लिए आप ये समझ सकते हैं कि ऑफिशियली ये प्रमोशन स्कीम लाइव हो चुकी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपके वीडियो को देखने के लिए।